ग्राम है धर्मापुर गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ दो जबरदस्त प्रगतिशील कृषक खड़े हुए हैं। एक तो ये मितुल तिवारी जी हैं और ये इनके मित्र हैं मिस्टर शिवराज सिंह जी। और ये जो गन्ना आप देख रहे होंगे तो 15023 हाँ 15023 है। जी तो ये बताइए शिवराज सिंह जी, जी ये दूरी कितनी है? कुछ ज्यादा लग रही है। ये 3.5 फीट की दूरी है। 3.5 फीट की दूरी है। तो आपने ये गन्ना बोया कब था? ये गन्ना अक्टूबर में बोया है, करीब 25 25 को, 25 अक्टूबर हाँ के जी, आसपास। जी। तो सीओ 15023 आप लोगों को कैसी लग रही है? नहीं, हमको तो बढ़िया लगी, प्रजात बढ़िया लगी, ठीक लगी। अच्छा, लेकिन मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ती है इसमें, स्प्रे वगैरह ज्यादा लेते हैं। कई किसान कहते हैं कि इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करेंगे तो गिर जाएगी। स्प्रे ज्यादा लेते हैं, वो भी मेहनत ज्यादा है, कीटनाशक ज्यादा है। अच्छा, कीटनाशक हाँ, सही किया, ये बात सही है। तो कीटनाशक में क्या क्या आप उपयोग करते हैं? कीटनाशक में प्रोफेक्स वगैरह है, इमडा वगैरह है, हाँ, और क्लोरो वगैरह है। प्रोफेक्स और इमिडा कितने पानी में कितना स्प्रे करते हैं? ये हम पानी 250 लीटर से कम नहीं लगते हैं। कितनी दवा डालते हैं उसमें? दवा 40 ml एक टंकी में डालते हैं, 40 से 50 ml। एक एकड़ में 250 लीटर पानी वही लगता है। हाँ। अच्छा, एक एकड़ में 250 लीटर हाँ, पानी लगता है। एक लीटर एक एकड़ में दवा पड़ जाती है, एक एक, एक जी, लीटर एक लीटर क्लोरो। तो गन्ना तो काफी अच्छा है। हाँ ठीक है। कितना है खेत? काफी बड़ा लग रहा है। ये करीब 5 बीघे होगा। 5 बीघे हाँ, 500 का निकलेगा ये। अच्छा हाँ हाँ, तो यील्ड देखिए आप बताइए, गन्ना तो अच्छा है आपका। देखिए कितने गन्ने बने हुए हैं, एक एक में ये होंगे 8-10 गन्ने, करीब 8 होंगे। 3, 8, 10, 9, 10, 12 गन्ने। एक हेक्टेयर में 1200 से 1250। इसकी भी बंधाई हाँ, तीसरी बार कर ये दी है। हमारे जो मितुल तिवारी जी हैं कह रहे हैं कि एक हेक्टेयर में 1200 से 1250 क्विंटल हाँ, जरूर कम होगी। कम। और जैसा आप देख रहे हैं हाइट लिए हुई है, बंधाई आपने कई कर लिया इसमें? तीसरी बंधाई हुई इसमें भी, तीसरी बंधाई हो गई है। और इन्हें देखा तो अच्छी बात है, इन्होंने गिरने नहीं दिया और अक्टूबर का गन्ना है। सीओ 15023 में यही खास बात है मितुल जी, जी। इसको गिरने नहीं दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं हाँ। अगर गिर गया, मीठी प्रजाति है तो बंधाई हम लोग बहुत सक्रियता से करते हैं। यहाँ इसलिए बंधाई की ज्यादा जरूरत है कि आपका गांव जंगल के नजदीक है। जी जी, ये जो किशनगंज सेंचुरी है, किशनगढ़ क्या बोला जाता है, किशनपुर सेंचुरी, उसके नजदीक है। तो यहाँ जंगली जो सुअर वगैरह है उनका काफी प्रकोप रहता है। तो जब आप हाँ तेंदुआ वगैरह जहाँ खड़े हैं, यहाँ तेंदुआ भी आ जाता है। हाँ हाँ, तो हम लोग हिम्मत बांध करके यहाँ खड़े हैं। ये तेंदुआ का क्षेत्र भी है, उस का भी। तो इस समय देखिए, और काफी अच्छा गन्ना है। और हमारे सब किसान बहादुर किसान हैं, तो तेंदुआ वगैरह से डरते नहीं है, इन्हीं के बीच में तेंदुआ घूमता रहता है। हाँ, हम लोग तो शेर के भगाने साथ, काम है अगर तेंदुआ शेर के साथ रहेंगे तो शेर की ही आदत पड़ेगी, और गीदड़ के साथ रहेंगे तो गीदड़ की ही आदत पड़ेगी। तो अब शेर जैसा देखिए, बबर शेर जैसा ये गन्ना भी पैदा कर रहे हैं। देखिए नहीं, हमारे भाई गन्ना विकास परिषद से अधिकारी लोग भी बीजेपी आते जी रहते हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए नहीं, परमानेंट हमारे संपर्क में हम लोगों के रहते हैं, हम लोगों को नई नई जानकारियां देते रहते हैं सब लोग। तो ये भी हम लोगों के लिए बड़ी, हम लोग बड़ा भाग्यशाली है। हमारा तो आपका चोली दामन का साथ है, जहाँ पर सर हम देखे हैं, कहीं कहीं लोग नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोगों को परमानेंट ये जो है दिया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, तो उससे हम लोगों को ज्यादा उपज हो जाती है। हम लोग मेहनत भी तो बढ़िया तो कर लेते हैं। बीज में ही जाएगा जी, बीज में जाएगा, और टोटल बीज के लिए इतना बढ़िया है। कृषक उसमें कैसे अपना मैनेजमेंट करते हैं? बंधाई है, मिट्टी आपने बहुत ढंग से चढ़ाई है लग रहा। हाँ, मिट्टी क्योंकि अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो एक गन्ना पतला हो जाता है, दूसरा गिरने के चांस बहुत चांस रहते हैं। आपने अच्छी मिट्टी चढ़ा दी और बंधाई कर दी, देखिए 3-3 और अक्टूबर में करीब करीब कटना शुरू हो जाए, करीब करीब 1.5 फीट मिट्टी होगी इसमें। हाँ, 1.5 फीट कह रहे, देखिए गहराई से, क्योंकि खाद वगैरह क्या डाला? खाद हम एनपीके यूरिया, एनपीके कितने बार डाला होगा? एनपीके 3 बार, हम हर बार आधी यूरिया आधी एनपीके देते हैं। आधी यूरिया आधी एनपीके मिक्सर करके देते हैं। 25 किलो यूरिया जी और 25 किलो एनपीके करीब एकड़ में जी। तो 3 बार तो 75 किलो पड़ गया। 75 किलो पड़ गया। स्प्रे क्या क्या किया? स्प्रे यूरिया नैनो, नैनो यूरिया जी। कीटनाशक में तो क्लोरो भाई इमिडा वगैरह और कोराजिन डाल देते हैं 2 बार, बाकी नैनो यूरिया और एनपीके। देखिए काफी अच्छा 1900 है, और देखिए बहुत गन्नों की संख्या बहुत है इसमें, बहुत अच्छा गन्ना है। देखिए ये आप देख रहे होंगे, पूरा 4 मुढ़े इसमें होंगी जी। 4 है, 4 मुढ़े है। देखिए कितना गन्ना है, सब में 4-4 मुढ़े। इस मुढ़े में कितना गन्ना निकल आएगा? 2-3 क्विंटल निकल आएगा इसमें करीब करीब। हाँ, 1.5 क्विंटल से कम नहीं होगा। 1.5 क्विंटल से ज्यादा, 1.5 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आइडिया है, काफी अच्छा गन्ना है और गन्नों की संख्या बहुत है। मिलेबल केन देखिए आप जी, और सब एक जैसे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। शिवराज सिंह ने अच्छा गन्ना दिखाया, और इसी तरीके से हमारे अन्य कस्बों को भी मोटिवेट करते रहिए। जी जी जी।
अच्छा कुछ सह फसल था इसमें? हाँ सह फसल थी इसमें। क्या था इसमें? इसमें लाही कर रखे थे। अच्छा हाँ देखिए इसमें लाही भी था, थोड़ी अलसी कर रखे थे, अलसी अपने अलसी थी हमारे। अच्छा हाँ देखिए अलसी, और अच्छा अलसी कितनी हो गई होगी उत्पादित? अलसी हमारे पास करीब 1.5 क्विंटल हुई, और इस खेत में अलसी और सरसों कितना हो गया? इसमें सरसों 2.5 क्विंटल हुआ होगा। हाँ बढ़िया निकल आई अलसी तो। अलसी हमें, हम लोग ये हमें एवरेज लगा के चलते हैं कि हमारी लागत सह फसली से निकल जाती है, यही होना भी चाहिए। और शरद में देखिए इसीलिए हमारे जो प्रगतिशील कृषक कहते हैं कि लागत उससे निकल जाती है, और साल तो नहीं किया लागत हो जाती है तो गन्ने में और मेहनत करते हैं जो जी, हाँ, तो है। आपको पैसा मिल जाता है तो बढ़िया होता तो मेहनत कर और अच्छा लगता है। गन्ने में पैसा तो सप्लाई करेंगे तभी मिलेगा, और बीच में अगर खर्चा करना है तो इससे जो सह फसल वगैरह उससे काफी। बाकी हर साल तो हम चने कर लेते हैं, इस साल हमने चना नहीं कर। अच्छा चना नहीं किया, चना भी आप करते हैं इस बार? इस बार क्या लेंगे सह फसल? इस बार चना बोएंगे। कितना गन्ना बोना है आपको इस बार? गन्ना हमको इस समय अक्टूबर में करीब 4 एकड़ बोना है। 4 एकड़? चलिए अच्छा यही बोइए। 1335 बोइए, 1425 बोइए, अच्छी प्रजातियां हैं। 1421 भी है हमारे पास, तीनों प्रजातियां हैं। देखिए अच्छे किसान लाए थे। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गन्ना दिखाया। अरे धन्यवाद, आप लोग हम लोगों को मोटिवेट करते रहे।